हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ जो रानू मंडल का है। रानू मंडल जो पश्चिम बंगाल में एक गरीबी फैमिली में जन्म हुआ। बचपन से गाने गाने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वो कोई भी सिंगिंग क्लास ज्वाइनिंग नहीं कर पाई। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी, बड़ी बड़ी सिंगर की गाना सुनकर गाना गाती रही और अपना टैलेंट को, अपना पैशन को फॉलो करती रही। थोड़ी दिन के बाद रानू मंडल का शादी हो गई है मुंबई के बाबू मंडल के साथ। कुछ ही दिन के बाद बाबू मंडल का देहांत हो जाने के कारण रानू मंडल का आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई, वो मुंबई छोड़कर कोलकाता आ गई और रेलवे स्टेशन पे अपना टैलेंट को फॉलो करते, मतलब कि गाना गाकर जिंदगी गुजारती रही। कहते हैं ना, जिसके पास टैलेंट होता है, जिसके पास पैशन होता है, उसे आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि चमकता हुआ सूरज को बादल कितना दिन तक रोक सकता है, एक ना एक दिन चमकता हुआ सूरज बाहर तो आएगी। ठीक ऐसा ही हुआ रानू मंडल के साथ। 2 मिनट का वीडियो इतना वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, आज रानू मंडल बादल से निकलकर पूरा हिंदुस्तान में सूरज की तरह चमक रहे हैं। आज रेडियो चैनल, टीवी चैनल, लोकल क्लब, प्रोडक्शन हाउस ऑफर दे रहे हैं। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक बार फॉलो तो करो अपना सपने को, अपना दिल की आवाज को, जैसे रानू मंडल ने किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे रहने के लिए घर होते हुए नहीं थी, मैं गाना गा के पेट भरती थी। मतलब जैसे कि गाना गाने के बाद कोई बिस्किट दिया या फिर किसी ने कुछ खाना दिया या फिर किसी ने मुझे रुपया दिया।